वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज की वीडियो में बात करने वाले दोस्तों किस तरीके से दोस्तों आप जो ओला पार्टी की आईडी है आपकी दोस्तों उसका आईडी को जो आप है अनबैन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आप जैसे अपने मेरे थंबल में देख लिया होगा कि मैंने इसमें लिखा था कि फोर दोस्तों न्यू ट्रिक्स हैं जिससे दोस्तों आप आईडी अपनी 101% दोस्तों आप जो आईडी अपने बैन अनबैन कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वो बिल्कुल चार न्यू स्टेप है दोस्तों, न्यू ट्रिक्स है जिससे आप आईडी जो है अपनी अनबैन कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो को लेकर शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और तो आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओला पार्टी से रिलेटेड एंड अदर एप्लीकेशन से रिलेटेड इस पर दोस्तों मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो जरा भी टाइम वेस्ट ना करते दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं और आइए देख लेते हैं कि दोस्तों वो कौन सी ट्रिक होने वाली है जिससे दोस्तों अपनी आईडी जो है अनबैन कर सकते हो। दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमने पहले स्टेप की और दोस्तों जो वहाँ पहला स्टेप होने वाला है अपना ओला पार्टी में तो दोस्तों पहले स्टेप में बताने वाला हूँ दोस्तों कि आपका आईडी कैसे अनबैन कर सकते हो, ठीक है। तो हम पहले शुरू करते हैं दोस्तों जो आपकी आईडी पहले आईडी जो है वो अनबैन क्यों होती है, ठीक है। तो दोस्तों वो आपकी अगर आईडी पर अगर दोस्तों कुछ भी अगर आपकी आईडी परमानेंट बैंड है तो अगर दोस्तों आपकी कुछ भी अगर सेक्सुअल उस पर एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, और फिर भी दोस्तों आपकी जो आईडी है जो इसकी तरीके से बैन हो चुकी है, ठीक है, तो उसको दोस्तों जो है वो अनबैन कर देंगे। तो दोस्तों सात जो 7 वर्किंग डेज होता है उसमें दोस्तों जो आपकी आईडी वो अनबैन कर देते हैं। वो तो सिंपल दोस्तों आपको मैं हेल्पलाइन सेंटर पे जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा होगा हाउ टू अनबैन आईडी, ठीक है। तो आपको उस पर क्लिक करना है दोस्तों, जो भी इसके रूल और रेगुलेशन है वो आपको पढ़ लेना है। तो सेकंड नंबर पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा अनबैन आईडी क्यू क्लब आईडी का, ठीक है। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और कुछ आपकी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कि कुछ शेड्यूल दे रखा है यहाँ पे और कुछ बता रखा है दोस्तों किस तरीके से आपको अपील करना है 120 वर्ड में, ठीक है। तो सिंपल आपको फीडबैक देने के लिए इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ से आप फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों कुछ भी इसमें रूल दे रखा है दोस्तों जो आपको बता रखा है कि इसमें जो किसी अगर किसी भी कारण से दोस्तों जो आपकी क्यू के लगा आईडी है वो आपकी अनबैन हो चुकी है तो उसको अनबैन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों कम से कम आपको 120 वर्ड का लिमिट दिया जाता है। तो 120 वर्ड में दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी होती है कि जिससे वो आपकी आईडी जो है वो सक्सेसफुली जो है अनबैन कर दें। तो दोस्तों इसमें बता भी रखा है कि 7 जो वर्किंग डेज होता है उस वर्किंग डेज में दोस्तों आपकी आईडी जो है वो अनबैन कर देगी और तो ऑटोमेटिकली जो भी आपकी आईडी होती है वो अनबैन जो है कर दी जाएगी। तो सिंपली दोस्तों हम बढ़ देते हैं पहले स्टेप की ओर, ठीक है। तो दोस्तों पहले स्टेप कुछ इस तरीके से होने वाला है दोस्तों। मान लीजिए कि मेरा आईडी जो है वो नंबर से है, ठीक है। तो काफ़ी सारे हमारे भाइयों के दोस्तों के होते हैं कि नंबर से होते हैं तो उनकी दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो सिंपली दोस्तों मैं आपको नंबर वाली आईडी जो है वो अनबैन करके दिखाऊंगा कि मतलब अनबैन तो मेरी आईडी तो अनबैन है ही, तो लेकिन मैं आपको एक स्टेप बताऊँगा कि आप किस तरीके से अनबैन कर सकते हो। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी कोड से गेट कोड कर दिया है और यहाँ पर मेरा कोड आ भी चुका है, ठीक है। तो 7044 तो दोस्तों क्या करना है, मान लीजिए आप 7044 यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप लॉगिन कर देते हैं तो लॉगिन हो जाता है, ठीक है, अकाउंट को। तो मैं यहाँ पर एक बार लॉगिन कर लेता हूँ आईडी देख के मैं, तो 7055 पे, ठीक है, 705 पे मेरा। तो ये मेरी आईडी देख रहे हो दोस्तों, मेरी यहाँ पे आईडी जो है खुल चुकी है, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन आपकी आईडी जो है अनबैन है तो आप किस तरीके से खोलोगे, ठीक है। आपको सीधे तुरंत ही ये लॉग आउट हो जाएगी लॉगिन होने के बाद। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आप नंबर पर क्लिक करना है तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको गेट कोड पर क्लिक करना है, ठीक है। गेट कोड पर क्लिक करने से पहले आपको उसको मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद दोस्तों क्या करना है, तो इसमें क्या होगा, आपका पहले आपको आ जाना है आपके डेट ऑन टाइम वाली सेटिंग में। तो सिंपल दोस्तों मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूँ वीडियो में। तो सिंपल दोस्तों आना है यहाँ पे, आपको मिलना है डेट एंड टाइम, ठीक है। तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करना है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे अपने डेट और टाइम के सेटिंग में, ठीक है। तो मैं सिंपली अपने डेट और टाइम वाले सेटिंग दे लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ दोस्तों, और यहाँ पे जो भी दोस्तों आपका मैनुअल वाला है और ऑटो टाइम में दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इसको कर देना है ऑफ, ठीक है। ऑफ करने पर दोस्तों क्या करना है, फिर से जाना है आपको अपनी ओला पार्टी आईडी में। ओला पार्टी आईडी दिख रही है आपको दोस्तों, मेरी अभी लॉगिन नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा वेट भी दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको वेट कर लेना है। फिर से दोस्तों आपको जाना है, क्या करना है, यहाँ पर आने के बाद दोस्तों ओला पार्टी में यहाँ पर एक बार आपको फिर से यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे दोस्तों गेट कोड पर क्लिक करते हो उसके बाद फिर से आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों जो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सेट डेट एंड टाइम, तो दोस्तों क्या करना है, आपको एक ईयर यहाँ पे जो दोस्तों पीछे कर देना है, ठीक है। आप 2020 वाला कर सकते हो, यार ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। तो आपको दोस्तों ये वाला करना है, 2020 वाला ऑप्शन ले सकते हो या इससे ओल्ड कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, 2019 वाला, ठीक है। तो सिंपल इस पर आपको क्लिक 2020 वाला ऑप्शन ले सकते हो या 2019 वाला, ठीक है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है 2020 वाले में 2020 वाले में क्लिक करने वाली है। तो सिंपल दोस्तों यहाँ से आपका डेट ऑफ बर्थ ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जाना है और जो दोस्तों यहाँ पर गेट कोड जैसे आप दोस्तों करोगे, गेट कोड करने के बाद दोस्तों आपको फिर से कोड आएगा। कोड आने के बाद दोस्तों आपको कोड आपको यहाँ पर डालना है और सिंपल दोस्तों ये आपका आसानी से दोस्तों यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। तो फर्स्ट में दोस्तों ये थी हमारा, तो 86 डालना है, 46 डालते हैं, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों आपको जो आईडी है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। तो अभी हमारा कोड क्या है, 86 है, 46 है, ठीक है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मैं दूसरा वाला एक बार कोड डाल के देख लेता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पे दोस्तों आप कोड देख सकते हो, यहाँ पर मैं कोड आ चुका है। तो सिंपल दोस्तों इस तरीके से दोस्तों आपकी जो आईडी है वो लॉगिन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं दोस्तों ये सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को कि मेरी आईडी अनबैन नहीं है, ये मेरी आईडी अनबैन है सारी, ठीक है ठीक है। मेरी आईडी कोई अनबैन नहीं है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक में दिखा नहीं पा रहा, लेकिन ये दोस्तों 101 पे सब वर्क करने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड स्टेप की ओर। तो दोस्तों जो सेकंड स्टेप है उसका नाम है दोस्तों अपील और वेरीफाई ट्रिक, ठीक है। तो उसके दोस्तों वेरीफाई ट्रिक है दोस्तों वो किस तरीके से आपको यूज़ करनी है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सिंपल दोस्तों मेरी अपनी आईडी जो है वो फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ अपनी, और मैं दिखा देता हूँ दोस्तों को किस तरीके से वो वर्क करनी है, ठीक है। तो अपील करने के बाद दोस्तों क्या करता है, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों, जब जैसे आप आईडी लॉगिन करते हो तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हो आप, ठीक है, तो वो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती करते आप ये करते हो कि दोस्तों आप सीधे यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देते हो, ठीक है, अगर आपकी आईडी जो बैन होती है। तो दोस्तों ये गलती जो है आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि ओके पे आपको क्लिक नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा अपील का क्लिक, तो ठीक है सिंपल दोस्तों इस पर अपील पर क्लिक करना है। और कुछ दोस्तों इस प्रकार का जो यहाँ पर जो अपील वाला लेटर है वो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है। तो सिंपली चले आते हैं हम अपने लेटर के ऊपर, और लेटर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको जो है एटर जो लेटर है वो लिखना है, ठीक। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटर आपको यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा कि इस तरीके से दोस्तों मैंने लिखा है। तो दोस्तों लिखा है हेलो क्यूकला मैनेजर, माई आई डी हैज़ बिन बैंड ड्यू टू सम मिस्टेक। दोस्तों जो मेरी आई डी है वो कुछ गलतियों की वजह से मेरी आई डी जो है किसी वजह से मेरी आई डी जो है बैन कर दी गई थी। तो आई अपोलोजी यू डेट द मिस्टेक, प्लीज़ मेक माई आई डी अनबैन, ठीक है, अनबैन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा कुछ ऑटो करेक्शन हो गया, तो ठीक है यहाँ पे आप कर लेना। तो यहाँ पर दोस्तों कर लेंगे किसी कारण से मेरी आई डी जो है वो बैन हो गई थी, तो प्लीज़ जो मेरी आई डी है उसको आप अनबैन कर दें, ठीक है। आई विल बी वेरीफाई योर ग्रेटफुल यू, ठीक है। तो मैं आपको बहुत बड़ा आभारी रहूंगा एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों तो किस इस प्रकार का थोड़ा कुछ अच्छा सा आपको लिख देना है, और दोस्तों आपको जो है अपील पर लिख के अपील को आपको डाल देनी है। इससे दोस्तों क्या होता है कि जो आपकी आईडी है वो जाती है अपनी सिक्योरिटी के पास, और दोस्तों वो कुछ ही जो डेज में होती है वो अनबैन हो जाती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपने सेकंड स्टेप के ऊपर। सेकंड स्टेप दोस्तों क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसमें बताने वाला दोस्तों कि जो आपकी आईडी आईपी एड्रेस है तो दोस्तों उसके चेंज करके दोस्तों जो अपनी आईडी है वो भी चेंज कर सकते हो। सिंपल दोस्तों मैं पहले अपना आईपी एड्रेस दिखा देता हूँ कि आप आईपी एड्रेस दोस्तों किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, आपको जाना होगा दोस्तों उसके लिए प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक सर्च माननी पड़ेगी यहाँ पे कि आईपी एड्रेस चेंज, ठीक है। तो आई पी एड्रेस चेंज करके नाम के है कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन है, उसको दोस्तों ले सकते हो आप, और अपनी आई पी एड्रेस चेंज करके आप जो आई डी है वो अनबैन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कुछ मेरी वर्क नहीं कर रहा है, एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों वो मेरे कुछ जो मैंने टाइम जोन वाला सेटिंग किया था तो उसके वजह से दोस्तों कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है। तो अब कोई बात नहीं, मैं फिर से मैंने उसको सेटिंग को ठीक कर लिया है। तो क्या आपको करना है, यहाँ पे डालना दोस्तों आपको आईपी एड्रेस जाना है, आईपी एड्रेस चेंज डालना है, ठीक है। तो सिंपली डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिख रही होगी, ये पीली वाली, ठीक है। तो सिंपल दोस्तों यार ये एप्लीकेशन है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको बहुत सारी इसमें देख लोगे आप कि यहाँ पे आप आईपी एड्रेस मिल जाते हैं आपको। तो यहाँ पे कोई सी भी आपको आईपी एड्रेस ले लेना है और ओके कर देना है, ठीक है। ओके करने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसको दोस्तों जिस भी आप अकाउंट में खोलने वाले हो, जिस भी आईडी में हम चेंज करने वाला दोस्तों उसमें दोस्तों आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है, जिससे दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी यहाँ वर्क करता है। और दोस्तों जैसे ही आप ये कनेक्ट कर लेते हो आईपी एड्रेस, जैसे भी आपको चेंज हो जाता है, चेंज होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली आपको आना है फिर से अपनी ओला आईडी में, ओला पार्टी आईडी में आने के बाद दोस्तों फिर से आप अगर आप लॉगिन करते हो तो आपकी आईडी दोस्तों 101% दोस्तों जो है वो आईडी अनबैन हो जाएगी, ठीक है। अब जो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेप के ऊपर। तो फोर्थ स्टेप जो है दोस्तों वो आप दोस्तों किसी भी बड़े लेवल की आईडी से, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, किसी भी बड़े लेवल की आईडी से आपको क्या करना है, आपको एक रिक्वेस्ट डलवानी है अपनी आईडी पे कि ये आईडी मेरी जो है अनबैन हो गई थी। तो सिंपल दोस्तों आपको फेसबुक से जो भी आईडी है, तो यहाँ पर मैं कोई अपनी आईडी एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों किस तरीके से आपको लेटर का डिटेल डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक। तो जैसे मैं खुल जाता है, मैं यहाँ पे हेल्प सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। सेटिंग माना है, सेटिंग माने के बाद दोस्तों यहाँ पे हेल्प सेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, हेल्प सेंटर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फीडबैक का ऑप्शन आ जाएगा अनबैन वाली पे, ठीक। तो अब देख सकते हो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आ गया है, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे फीडबैक पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है लॉगिन इशू, ठीक। तो यहाँ पे लॉगिन इशू पे क्लिक करना है, ठीक। या फिर आप लोग लॉगिन इस पर क्लिक करना है अगर उनमें प्रॉब्लम आ रही है तो, या अपील वाला और रिपोर्ट वाला सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मैं आपको दिखा दूँ, जो मैंने लेटर लिखा था दोस्तों, इस तरीके का कुछ यहाँ पे अच्छा सा लेटर, इस तरीके का कुछ लेटर लिख लेना है। और दोस्तों इसके नीचे जो क्या है, आपको यहाँ पे जो आईडी होती है, यहाँ पे आपको दिखना है आईडी नंबर, ठीक है।
यहाँ पे आईडी नंबर डाल के दोस्तों ऑप्शन एक बना लेना है, और यहाँ पे दोस्तों जो की भी आईडी आपको अनबैन करनी है ए टू जेड कोई भी एक्स्ट्रा एक्सेट्रा कोई भी है जो आपकी आईडी है उसको दोस्तों यहाँ पे डाल लेना है। और इस अपील को दोस्तों क्या करना है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों इस तरीके लिख के यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है स्क्रीन शॉट में दोस्तों जो भी आईडी आपको अनबैन करनी है उसका दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रीन शॉट लेना है, वो यहाँ पे अपलोड करना है। एंड दोस्तों यहाँ पे नंबर में आप यहाँ पे इंडिया के नंबर ले लेंगे, और इंडिया का नंबर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना है, इंडिया सर्च कर लेना है। और जैसे मैं यहाँ पे इंडिया करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे इंडिया करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नंबर डालना है, और सिंपल दोस्तों आपको सबमिट पे जो है सबमिट के ऑप्शन पे बटन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों जो आपकी आईडी है वो 7 वर्किंग डेज के अंदर आपके जो है अनबैन हो जाएगी। तो दोस्तों ये 4 स्टेप थे, ठीक है। इसमें दोस्तों ये जो 4 ट्रिक्स मैंने आपको बताई है दोस्तों, ये सारी ट्रिक्स दोस्तों वर्किंग है, 101% वर्क करती है, ठीक है। फिर भी दोस्तों आपको कुछ समय में नहीं आता है वो मेरे से आकर पूछ सकते हो, ठीक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, तो ऐसी वीडियो के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।